नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। अक्सर हम जब रास्ते में जा रहे होते हैं, कोई भिखारी आकर भीख मांगता है तो हम कह देते हैं खुल्ले नहीं है भैया, जाना आगे। अब ये खुल्ले नहीं है वाला बहाना भिखारियों के सामने नहीं चलेगा, क्योंकि भिखारी भी हाईटेक हो गए हैं, डिजिटल पर आ गए हैं। हम सब जानते हैं कि डिजिटल पेमेंट इन दिनों ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि वो आसान है भी ना। आपको पैसा कैरी करना है, ना ही कोई डेबिट कार्ड कैरी करना है। मोबाइल जो आपके पास एनी टाइम होता है, उससे आपको एक कोड स्कैन करना है और पेमेंट हो जाता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे उस भिखारी की जो अपने डिजिटल पेमेंट के लिए काफ़ी फेमस हो रहा है और इसकी पिक्चर्स काफ़ी वायरल हो रही है। ये भिखारी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स पर या चौराहों पर गले में QR कोड का टैग लेकर घूमता है और लोगों से भीख मांगता है। जो लोग इसे कहते हैं कि पैसे नहीं है, खुले नहीं है, वो कह देता है कोड है, स्कैन कर लो, पैसा डाल दो। यानी कि लोगों के पास बचने का ऑप्शन ही नहीं है इस भिखारी से। पटना का है भिखारी, जिसका नाम है राजू। राजू की दिमागी स्थिति ठीक नहीं, वो मंद बुद्धि है, इसीलिए कहीं नौकरी नहीं कर सकता तो भीख मांगना ही उसने अपना पेशा बना दिया। बचपन से ही वो पटना के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भीख मांगता है। अब कई बार उसे लोग ये कहकर मना कर देते हैं कि पैसे नहीं हैं, और कोरोना के दौरान तो लोगों ने पैसों में डील करना ही बंद कर दिया। ऐसे में राजू को तो अपना पेट पालना था। यही कारण है कि राजू ने कई जगह देखा कि दुकान वाले जो हैं QR कोड बनाकर रखते हैं और उससे पेमेंट हो जाता है। बस फिर क्या था, यहाँ से आइडिया आया राजू को। उसने अपना बैंक में अकाउंट खुलवाया और फिर अपने लिए एक QR कोड ले लिया। इसी QR कोड का जो टैग है वो अपने गले में लिए घूमता है और लोगों से भीख मांगता है। जब कोई उसे कहता है कि खुले नहीं हैं, तो वो QR कोड दिखा देता है और कह देता है कि स्कैन करके डाल दो। राजू की उम्र 40 साल है और पिछले 30 दशकों से वो यहीं पर भीख मांग रहा है। और अब राजू ने भीख मांगने का ये जो नया आइडिया बनाया है, इसे देखकर लोग हैरान हैं, हंस रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि किसने कहा ये मंद बुद्धि है, ये तो दिमाग का इतना तेज है। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।